नोट किया जा सकता हूँ। क्या आज आप लोगों ने यहाँ क्या किया, क्यों किया? केजरीवाल जी का बॉयकॉट किया, उनकी पार्टी का बॉयकॉट किया है। हमारे पूरे अधिवक्ता जो संघ है उससे उनको समर्थन, वो अक्सर जो है ये अपने स्पीचेस में बोलते हैं, जनता को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जैसे पंजाब में और दिल्ली में अधिवक्ताओं का उनको समर्थन है, तो हमने उनको बॉयकॉट करके बताया कि यूपी में उनको कोई भी समर्थन नहीं है। हम नहीं चाहते कि वो यूपी में लड़ाई लड़े, और जिस प्रकार के वो अनर्गल वादे कर रहे हैं कि हर चीज़ मुफ्त में देंगे, हमें अपनी मेहनत की कमाई चाहिए, हमें सरकार से मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, तो वही हमने अपना विरोध यहाँ पे प्रदर्शन किया। मेरा नाम आशुतोष है। हम लोग अनजान आदमी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर आज हम लोग केजरीवाल उत्तर प्रदेश में अपनी प्रथम विशाल जनसभा रैली महारैली कर रहे हैं, और हम लोगों का मानना है, हमारी पार्टी का मानना है, जो हमारी विचारधारा है, हम लोगों का ये मानना है कि केजरीवाल से बड़ा राष्ट्रद्रोही आदमी आज तक न इस पृथ्वी पर और न भारतवर्ष में पैदा हुआ है। केजरीवाल अपनी सारी नैतिकता को खो चुके हैं। केजरीवाल से बड़ा राष्ट्रद्रोही आज की डेट में हिंदुस्तान में कोई नहीं है। ये खालसा लोगों से, खालसा जैसे महा आतंकवादी संगठन से पैसा लेकर के आज ये दिल्ली में राज कर रहे हैं। आज इन्होंने पंजाब में मुफ्त में बिजली का जो प्रलोभन दिया है जनता को, ये एक लालची व्यक्ति और एक राष्ट्रद्रोही व्यक्ति ही कर सकता है। इनकी नैतिकता कहाँ है? आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने उनका, आज उनकी महारैली का हम लोगों ने विरोध किया है, और हम लोग इनकी हर रैली का, उत्तर प्रदेश छोड़िए, हम लोग पंजाब जाएंगे, बठिंडा जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे। आज इन्होंने जहां चंडीगढ़ में कुछ चंद सीटें ले ली है, खालसा के समर्थन से ली है, ये खालसा का समर्थन करते हैं। किसान आंदोलन में इन्होंने जो हरकतें की है वो पूरा देश जानता है। ऐसे राष्ट्रद्रोही लोगों का ये आम जो अनजान आदमी है, जो जिनको ये आम आदमी कहते हैं वो अनजान आदमी है। आज की डेट में आम आदमी अनजान आदमी हो चुका है, आम आदमी जा चुका है, आम आदमी को भी इन्होंने अनजान कर दिया है, और इसके विरोध में अनजान आदमी पार्टी बराबर इनका विरोध करते रहेगी। और हम लोग इनकी प्रत्येक सभा में, चाहे ये हो चाहे संजय सिंह हो, इन लोगों को इतनी शर्म नहीं है, इन लोगों ने अपनी नैतिकता क्या बेच दिया है? हम रंजना श्रीवास्तव है, मैं अनजान आदमी पार्टी की सदस्य, वरिष्ठ सदस्य हूँ, और आज केजरीवाल की महारैली का विरोध जताने हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और केजरीवाल जिस प्रकार से उन्होंने उत्तर प्रदेश को अनेकों प्रलोभन दे रहे हैं, वह कहाँ तक जायज है, यह हम सारी जनता से पूछना चाहते हैं। और जब दिल्ली जल रही थी तब ये कहाँ थे? तब तो ये नहीं आए। और यहाँ पर आपने ये देखा, प्रशासन, यहाँ का प्रशासन, कम से कम राम मंदिर बन रहा है, एक भी विरोध नहीं हुआ, और राम मंदिर बन के तैयार होने जा रहा है। आज इनको अपनी संस्कृति याद आ रही है, आज इनको अपना धर्म याद आ रहा है, कहाँ गया वो सारी चीज़ें? जब दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा था, जब दिल्ली में दिल्ली जल रही थी, तब ये कहाँ थे? तब तो ये सामने नहीं आए। हम इनका घोर विरोध करते हैं, और ये कहते हैं कि केजरीवाल वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अनजान आदमी पार्टी से कार्यकर्ता हैं, और हम लोग केजरीवाल का विरोध आज नहीं, सन 2015 से करते चले आ रहे हैं। इनके लिए हम लोग अमेठी से दिल्ली तक पदयात्रा निकाले थे। दिल्ली में भी इनको हम लोगों ने कई जगह इनका घेराव करके, सबसे बड़ी इनकी मांग है कि जिस उद्देश्य को लेके केजरीवाल जी आए थे, स्वराज की परिभाषा, वो स्वराज कहाँ है, वो हम लोगों ने इनसे प्रश्न पूछने का प्रयास किया, जिसका उत्तर ही नहीं दिए। बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लंबी लंबी गाड़ियों में चले गए,
हमारे इस प्रयास का उन्होंने कोई एक दिल्ली से लेकर अब तक हम पूछ रहे हैं कि इनका स्वराज कहाँ चला गया। जिस स्वराज को लेकर दिल्ली के सत्ता में आए थे उस स्वराज को ये भूल गए। आज पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, जितने और प्रदेश हैं सब जगह ये जो है लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली की जनता जो आज अपने को ठगा हुआ महसूस करती है उनकी तरफ इनका कोई ध्यान का केंद्र नहीं है, अनावश्यक नरगल बातें करते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा इनसे मुद्दा है कि आपका स्वराज कहाँ चला गया, जिस स्वराज को लेके आप सत्ता में आए थे। इसीलिए विरोध है मेरा।